नमस्कार, स्वागत है आपका 7i न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आई नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की 28,000 से अधिक मतों से जीत पर सैलाना में विजय जुलूस में कार्यकर्ताओं ने विधायक हर्ष विजय गहलोत का भव्य स्वागत किया गया। विजय जुलूस सैलाना के हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ राजवाड़ा चौराहे पर समाप्त हुआ। हर्ष विजय गहलोत का जगह जगह मंच पर साफा फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। हर कार्यकर्ता रंग गुलाल में सरोबोर होकर ढोल और बैंड की थाप नाच रहा था। विजय जुलूस में विधायक हर्ष विजय गहलोत के साथ उसके बड़े भाई शेखर गहलोत भी साथ रहे। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय के सामने शुभकामना देने वाले पोस्टर इन दिनों चर्चाओं का केंद्र बन गया है। शहर में इन दिनों इन पोस्टर की चर्चा है। ये पोस्टर कांग्रेस के नव निर्वाचित विधायक को शुभकामना देने के लिए लगाया गया है, लेकिन इस पोस्टर में शुभकामना देने वाला जो व्यक्ति है वे कांग्रेस का बागी प्रत्याशी है। पथरिया विधानसभा से कांग्रेस की टिकट के प्रबल दावेदार राव ब्रजेंद्र सिंह ने टिकट नहीं मिलने के कारण निर्दलीय चुनाव लड़ा था और इसी कारण से पथरिया विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी की हार हो गई थी। ये बात जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय टंडर ने दी रविवार को आयोजित आभार सभा के दौरान कही थी। उनका कहना था कि बागियों के कारण ही उनकी पार्टी को 3 विधानसभा क्षेत्रों में हार का सामना करना पड़ा है। साथ ही जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने इन बागियों को देख लेने की बात कही थी। वहीं इस बात के बाद कांग्रेस के बागी ब्रजेंद्र सिंह ने कांग्रेस के विजय प्रत्याशी दमोह विधायक राहुल एवं बड़ा मलहरा विधायक प्रद्युम्न सिंह को शुभकामनाएं देने वाला पोस्टर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय के सामने ही लगवा दिया। ये पोस्टर लगने के बाद पूरे शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोग इसे बागी प्रत्याशी राव ब्रजेंद्र सिंह द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अजय टंडन को दिए प्रति उत्तर के रूप में देख रहे हैं। वही ये पोस्टर राव ब्रजेंद्र सिंह की कांग्रेस के इन दिनों दो नेताओं से नजदीकियों को भी प्रदर्शित कर रहा है। 18वें मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद कमलनाथ सीधे बल्लभ भवन पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में उपस्थित कर्मचारियों ने कमलनाथ का हार फूल से स्वागत किया। इसके बाद कमलनाथ मंत्रालय के अंदर चले गए। आज नगर पलेरा में कांग्रेसियों ने मनाया जश्न। आज सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता वापसी के अवसर पर नगर में जमकर आतिशबाजी की गई एवं मिठाइयां बांटी गईं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गोल मार्केट से लेकर बड़ा बस स्टैंड, थाना तिगेरा होकर मुख्य बाजार में रैली निकाली, जिसमें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाकर आतिशबाजी की एवं खुशी का इजहार किया और कमलनाथ के नेतृत्व में विकास की बात कही। पलेरा से 7i न्यूज के लिए पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट। हमारी इस खास खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 7i न्यूज के साथ। नमस्कार।